हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल सुखदेव इंडिया व्लॉग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह के 10 बज चुका है, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हम लोग गए हैं घूमने मंदिर, शिवरात्रि के दिन है। आज हम गए हैं बड़े डोंगर में, कुछ इस तरह की सीढ़ी बना है, हम सेवा के और ऊपर घूमने को जा रहे हैं, कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप भी कभी आइएगा, देखिएगा, सेल्फी वेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की सीढ़ी बना है, सीढ़ी का गंदित नहीं कर सकते, तो बहुत सारा है तो वो सब के बोलने होता है। तो अभी बोल के इजेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारा लोग थे, बहुत बड़ी बड़ा का है, ऊपर में अभी उतना नहीं है, नीचे बहुत सारा है, देखने में कुछ इस तरह की नहीं दिखता है और मस्त लग रहा है। और ऊपर से उतर रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह की पब्लिक का रिएक्शन है। तो दोस्तों, देख सकते हो लवा लवा का सीढ़ी बना है कुछ इस तरह की, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हो। मेरा दोस्त रिकॉर्डिंग कर रहा है, थोड़ा कैमरा को हिला रहा है, थोड़ा सा धीरे करता तो और अच्छा होता और आप लोग और अच्छा से देख पाते। तो सबसे ऊपर का आ गई, तो यहाँ से चारों ओर नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरती नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की देखने को मिल रहा है, आप भी कभी आइएगा और यहाँ पे फोटो ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, खूब ही सूरत है। हम तो पहली बार आए, हमको बहुत अच्छा लगा देखने में, काफी सुंदर भी है। तो दोस्तों, देख सकते हो इन नजारा को। तो दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा क्लिक दिखाया, कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। आप लोग देख के होंगे तो बहुत अच्छे से देख के होंगे। तो दोस्तों, मेरा थोड़ा समय कम था, अड़बड़ी में देखा तो थोड़े बहुत देख लिया। तो यहाँ फोटो ले रहे हैं, थोड़ा सा फोटो खींच लिया मैंने। तो इधर का नज़ारा देख सकते हो, पहले भी बोल चुका हूँ कुछ इस तरह की खूबसूरती नज़ारा है, तो देखने में कुछ अलग ही फीलिंग होता है। तो बहुत लोग आते हैं, इसको तो बार बार बता रहा हूँ, तो क्या बताऊँ, तो आप लोग को कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है। तो दोस्तों, देख सकते हो लाइट वाइट की सभी की सुविधा है, और नीचे की ओर तो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा, हमें कभी ऐसा जगह कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह की देखने को मिल रहा है, तो मस्त भी आ रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो ऐसे सीन को कभी फिर से देखने जाऊंगा और अच्छे से शूट कर पाऊंगा आप लोग को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, दिख रहा है और काफी सुंदर भी लग रहा है। ये गांव की बस्ती बस्ती कुछ इस तरह के घर बने हैं, तो गांव भी काफी सुंदर है। तो चारों दिशा पहाड़ी पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर है, तो मेरा थोड़ा सा क्लिक शूट कर लिया है।
तो दोस्तों देखने में काफी स्लो मौसम में दिख रहा है। तो और इसको स्लो मौसम होता तो और अच्छा से होता, यहाँ का नजारा आप भी देख पाते। तो दोस्तों कभी फिर से आऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा आप लोग को दिखाने के लिए। डोंगर, बड़े डोंगर बोलते हैं। इस जगह में आप लोग आ सकते हो, नीचे और जा रही हैं तो आप ऊपर में बहुत घूम लिए हैं, तो हमको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट करने वाला रूम पहले दिखा है, छोटा सा क्लिक कोई वाला है। और नीचे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पैसा चिपकाते हैं, जो बोल के सच्चे सच्चे मन से बोल बोल के चिपकाते हैं तो वहाँ चिपक जाता है किस्मत वालों का। थोड़ा थोड़ा गड्ढा बने हैं, बहुत साल से चिपकाने वाला नियम आ रहा है, तो अपना किस्मत देख रहे हैं उसमें। तो दोस्तों बहुत लोग आ रहे हैं, देख सकते हो मस्त रंग बिरंग कपड़ा भी पहनी है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। हम उतर के फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे नीचे। तो दोस्तों देख सकते हो फिर यहाँ से पहाड़ की नज़ारा, कुछ इस तरह की मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर। वाह, और तालाब मस्त दिख रहा है, और तालाब भी मस्त है चारों ओर है। आप लोग थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिखाया लेकिन थोड़ा बहुत भी दिखाया, बहुत है। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों तालाब ये मंदिर मस्त दिख रहा है, काफी सुंदर है। तो कभी आए होंगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा फीलिंग हुआ होगा कुछ इस तरह के देखने को मिला। तो ये बाहर जाने का गेट है, ये घुसने वाला गेट है। यहाँ पैर धोते हैं, पानी पहले से यहाँ रहता है थोड़ा थोड़ा, तो सभी अंदर से जा रहे हैं, ऊपर से उतर रहे हैं। देख सकते हो पहले सूट नहीं कर पाया, उतरते तो समय सूट किया हो, ये सबसे मेन बात गलत हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है और काफी सुंदर भी लग रहा है। कुछ इस तरह का सीढ़ी बना है मस्त, एक ही साइड से सभी लोग आ रहे हैं, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर बहुत बंदर है तो नजदीक नजदीक आते हैं, कुछ कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार आऊँगा तो उसके लिए कुछ फल लाएंगे, इस बार पहली बार आई इसलिए हमको पता नहीं था, कलियात आ गए हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हो तो काफी सुंदर है, मंकी बंदर बसता होते बैठे है पत्थर में, कुछ इस तरह की देखने को मिल रहा है। ऊपर में बहुत बंदर थे और नीचे उतना नहीं रहते हैं तो कम दिखाई दे रही है थोड़े बहुत। तो दोस्तों और अब गेट के पास पहुंचने वाला है छोटा गेट, उसके बाद रोड में बहुत बड़ा गेट है, तो वहाँ मेरा वीडियो एंड हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हो भीख मांगने वाले हैं यहाँ पर, कुछ बस कुछ कुछ पैसा देना पड़ता है अपना मन चाहे। तो उधर बहुत लोग आ रहे हैं, वो रेस्ट रेस्ट करने वाला है, इसमें थोड़ा जाते हैं 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं,
ऊपर में बहुत घूम लिए हैं, कुछ इस तरह की खूबसूरती बनाने बनाए हैं, सीमेंट का बनाया पूरा लकड़ी जैसे दिख रहा है। हम रेस्ट कर लिया और बाहर निकल गए, अब जा रहे हैं घर। बहुत देर हो चुका है यहाँ रह रह कर, तो बाहर का गेट दिखाते हैं और दूसरा मंदिर पे जाते हैं। तो वीडियो के चक्कर में फोटो नहीं ले पाया, कुछ इस तरह की है। और बहुत धूप है तो धूप में फोटो भी इतना मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह की देखने को मिल रहा है। ये बाहर गेट है, आप कभी आए हो तो देखे होंगे कुछ इस तरह के, तो खूबसूरती ही नज़ारा है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब घर। ये रोड कुछ इस तरह के कोंडा गांव मार्ग जा रही है, डोंगर से कोंडा गांव मार्ग स्पेशल रोड देख सकते हो। वक्त लग रहा है, काफ़ी व्यू भी आ रहा है। तो दोस्तों हम पहुंचने आए मंदिर नारायण के पास, मंदिर के नीचे ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर नहीं रुकना है और जगह पे, और उस साइड पुल है उसको छोड़ दिए, बड़ा पुल से आना जाना करते हैं। तो दोस्तों ये अमरावती, जस्ट अमरावती में आए हैं। बहुत समय ले लिया हमको, कम से कम एक आध घंटा। रास्ता उतना अच्छा नहीं था बीच बीच में, और कोई कोई पास अच्छा था, तो रोड का भी तो नहीं दिखाया आप लोग को। जैसे भी था मस्त था, अच्छा था, मस्त लगा। आज पहली बार घूमने को मिला हम लोग को, तो कुछ इसी बहाने से घर से निकलने के होता है। और मड़ई मेला शिवरात्रि को धाम धाम में घूमने को मिलता है, शिवलिंग जहाँ रहता है वहाँ देख सकते हैं। यहाँ फोटो स्टूडियो है, उधर फोटो खींच रहे हैं। तो ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे हम लोग, नीचे कभी दिखना है हम लोग को। ऊपर से कुछ इस तरह के मंदिर दिखता है नीचे के, और हम लोग तो नीचे उतर ही गए। तो दोस्तों मस्त लग रहा होगा आप लोग को भी कुछ इस तरह की सीन देखने को मिल रहा है, काफी सुंदर ही है। चार बजे की है अभी का शूट, तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। कुछ इस तरह की सीन देखने को मिल रहा है। अमरावती मंदिर पत्थर से मिला हुआ है, अंदर सीलिंग है। तो आइए, वो सबको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नया तो सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं फुल मस्ती के साथ।